दूध को भट्टी पे रख दो, दूध को भट्टी पे रख दो तो दूध का उबलना निश्चित है, और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए तो सेंटर की सरकार का उलटना भी निश्चित है। खोखो अब खोखो ताली ठोको। अब मोदी का फिल्म आ रहा है फेंकू नंबर वन, खोखो खोखो ताली ठोको। भगवान राम ने रामायण में कहा और वो आज तक हर इंसान के दिलों में बसा हुआ है, दिलों के अंदर गूंज रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात आज भी सत्य है, ये बात आज भी जो लोग फॉलो करते हैं, जो इसके पीछे चलते हैं, उन पर विश्वास होता है। मैं कहता हूं मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बोलवाना असंभव है। मेरे जो से भोको मुद्दे क्यों नहीं है? पहले जब आतंकी हमले होते थे, तो इस्तीफे दिए जाते थे। शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया है, कोई आपसे सवाल करो तो राष्ट्रद्रोही तुम वही बात करो तो न्याय नहीं मिला, कोई और वही बात करे तो कैरेक्टर भी ना ठोक सकता नहीं। जनता का कुछ किया नहीं, और अब आपके चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब? कह रहे हैं मोदी की सेना पकड़ लो फोर्स। योगी साहब, मैं तुम्हें कहता हूं कि ये सेना हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान की रहेगी, किसी ऐसे कहरे नाम में प्रोहित नहीं हो सकती। फौज के कंधों से सियासी तीर चलाओगे, सुना है सरहदों पे तनाव है, अरे जरा पता तो करो क्या चुनाव है। मोदी के भक्तों को लगता है 2014 तक भारत खाई नहीं, ये तो खोद के निकाला है 2014 में। अरे जरा पैदा नहीं हुए थे तब हिंदुस्तान का संविधान रच दिया गया था, पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है
लेकर दिल्ली में तख्त गिराए जाएंगे। चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर बहुत, सर भी बहुत, अरे बढ़ते भी चलो के अब दे लाल किले पे झंडा फहराने को जाएगा। पूरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। उत्साह आदमी वही है, नदी थोड़ी सूखी है पर पानी का प्रवाह आदमी वही है। दोस्तों वही दमखम, वही चमखम, अरे मनखाट वही है, तलवार पुरानी है पर थार और तलवार भी वही है। अच्छा है बच्चे बूढ़े और जवान ठोक ठोक कर रहे हैं। मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, मोदी साहब जो आप बाहर की फल महसूस नहीं रख सकते वो इस देश को कैसे महसूस रख सकते। जेब खाली है तो खाता खुलवाया जा रहा है और खाने को खाना नहीं शौचालय बनाया जा रहा है। वारे वारे की गांव में बिजली नहीं, गांव में बिजली नहीं है और डिजिटल इंडिया बनाया Oh,